आप जितनी भी बड़ी तंजीमें जी और रफाई इदारे हैं उनका नाम लेते जाएं, आपको वहाँ यहाँ पे कोई भी नजर नहीं आया होगा। लोगों को बता दें कि इस वक्त कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। आज हम मौजूद हैं तहसील तोंसा की बस्ती जल्लू वाली में, और यहाँ पे आप जानते हैं मौलाना सुहेल तैयब साहब को अक्सर हजरात के, जिनकी एक आवाज़ पर अल्लाह पाक ने इनको भी इज्जत दी है और इनकी आवाज़ को पूरी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पहुँचा दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और इन परेशान लोगों की अल्लाह परेशानी दूर फरमाए। हम इनसे बिल्कुल मुख्तसर वक़्त में दो तीन बातें जानेंगे। सबसे पहले हजरत ये बताइएगा कि जो यहाँ पर सैलाब आया, इसका नुकसान किस हद तक हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना उमर फ़ारूक साहब, आपका शुक्रिया, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। असल में ये जो हमारी पूरी पट्टी है कोह सुलेमान की, डेरा इस्माइल खान से लेकर राजनपुर और उससे आगे तक, ये पूरी पट्टी मुतासर है। तकरीबन 300 किलोमीटर का ये फासला बनता है जो हमारी मालूमात है। वैसे तो जहाँ जहाँ भी पहाड़ हैं आप सुन रहे हैं, सवात का भी आप सुन रहे हैं, उससे आगे के भी हालात, यानी अल्लाह ताला बस रहम फरमाए। आमीन आमीन हजरत आमीन। तो ये हमारा इलाका है तकरीबन तहसील तोंसा, ये होगा तकरीबन 100 किलोमीटर के करीब शदीद मुतासर हुआ है। और इस सब सबसे ज्यादा शदीद मुतासर वो हमारी बस्ती हुई है जल्लू वाली। वहाँ पे लोगों के घर भी गए, जमीन भी गई और सामान भी उनका चला गया है। तो ये नुकसान फिर ऐसा है, अब घर के नुकसान का कोई अजाला नहीं हो सकता, उनका बेचारों का घर चला गया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है पूरे इलाके में, अल्लाह ताला। दूसरा हजरत ये बताए, माशाल्लाह तावन काफी हद तक जो है वो आ रहा है, अब आप ये लोगों को बता दें कि इस वक्त कौन सी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, जो आने वाले अहबाब हैं वो किस तरतीब से आएँ और क्या लेकर आएँ, या पहले राबता करें तो वो फिर आएँ? हाँ, मैं जितने भी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे साथ हमने जो आवाज़ लगाई थी, हमें इतना यकीन ही नहीं था कि पूरे पाकिस्तान से सफ़े अव्वल के हजरात उलमाए किराम, दीनी जमातें, मजहबी जमातें, सबसे बढ़कर दीनी मदारिस और उनसे वाबस्ता जितने लोग जी, जी, जी। सारे के सारे वहाँ जो है ना हमारे पास पूरे इलाके में पहुँचे। और अच्छा, आप मज़े की बात बताऊँ, आप जितनी भी बड़ी तंजीमें और रफाई इदारे हैं उनका नाम लेते जाएं, आपको वहाँ यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया होगा। अच्छा, जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, सियासी हैं सरकारी हैं या वैसे लोगों की खिदमत करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पर कोई, अगर मैं नाम ले दूँ तो इधी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, नज़र नहीं आएगा JDC यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अगर नज़र आएंगे तो सिर्फ मौलवी नज़र आएंगे, मदरसे वाले, दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, दीनी इदारों वाले, सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं। आपके इधर सबका वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, ये खड़ बुज़दार, उनका अपना इलाका भी है, तो क्या वो आपकी हमदर्दी के लिए आए या तावन किया? आपने उनको देखा है कहीं? हमने तो कहीं नहीं देखा। तो आपने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा है कि 10 दिन से हमारी बस्ती जो है ना ख़त्म हो गई। उनको छोड़ें, सबक वज़ीर आला साहब नहीं आए, MNA, MPA, AC, DC कमिश्नर तक कोई भी नहीं आया, AC, DC तक नहीं आए, इंतजामिया पूछने के लिए भी नहीं आई कि आप इंसान हो। आज हमने खुद से अपनी तरफ से मशीनरी लगाई हुई थी, ऊपर से अपनी हमारी जाती प्राइवेट मशीनरी थी, उसको जो ना मना करवा दिया कि ये जो ना मशीनरी ना लगे, इतना यानी ज्यादती हो रही है। देख लें आप, ये सरकारी लोगों का और बड़ी NGOs का हाल है। तो अब आगे आप बता रहे थे कि हाँ, किस चीज़ राशन का मसला ये है कि यहाँ पर हमने जब आवाज़ लगाई तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथियों ने तावन किया, राशन की मदद ने किया। यहाँ पर लोगों की और इलाकों से हटकर यहाँ पर कुछ और ज़रूरियात हैं। जो साथी भी, मैं सबको पैगाम देना चाहता हूँ, तौंसा शरीफ आना चाहते हैं, वो जिन मकामी साथियों के पास आना चाहते हैं उनसे पहले रब्ता कर लें, फ़ोन कर लें, उनसे पूछ लें, अपनी तरतीब बना के ना आए, अपनी तरतीब बना कर ना आए। अपनी तरतीब बना कर आएंगे नुकसान होगा, पहले से बताएंगे। अब आपने राशन तकसीम करना है, 2 दिन पहले बताएं, हम लोगों में टोकन तकसीम करेंगे तो वो 100% मुस्तहिक तक पहुंचेगा। अगर आप ट्रक लेकर आ जाएं और आप कहें कि ये ट्रक है, आप तकसीम करवाएं, तो उसमें फिर गैर मुस्तहिक तक भी जा सकते हैं, अंदेशा है। तो आप जिस मकामी साथी के पास आना चाहते हैं तहसील तोंसा में, तो आप जरूर उनसे पहले कॉन्टेक्ट करें और फिर उनसे पूछें कि आपकी जरूरत क्या है। जी माशाल्लाह। अच्छा, वे ये सुनने में आ रहा है कि राशन की जरूरत काफी हद तक पूरी हो चुकी है यहाँ पे तहसील तोंसा की हद तक, तो अब मेरे ख्याल से शायद नकदी जो है वो लोगों की ज्यादा जरूरत है, आप क्या कहते हैं? और चीजें भी आए, नकदी भी आए, TR गार्डर भी आए, कुछ और जरूरी बर्तन हो गए,
बर्तन भी लोगों को चाहिए, मच्छरदानियाँ इस इलाके में, निचले इलाके में जो ना मच्छरों का मच्छरदानियाँ, यानी आप पूछेंगे ना हम आ रहे हैं तो क्या चीज लेकर आए, हम आपको बताएंगे ये चीजें हैं, आप इनमें से कौन सी ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं तो नकदी दे दें लोगों को, लोग खुद खरीद लेंगे, देख लेंगे। बहुत बेहतर होगा, बहुत बेहतर, जज़ाकुमुल्लाह जी। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपने सुना तावुन के लिए सरकारी तौर पर या बड़ी एनजीओ कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये मौलाना साहब का नंबर भी इंशाल्लाह स्क्रीन पे शो हो जाएगा, बाकी जिम्मेदारों के नंबर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप अहबाब रब्ता करके आएँ, इससे इंशाल्लाह आपका लाया हुआ सामान, लाई हुआ चीज़ें वो सही मसला पे लग सकेंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।